जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 37। कस्माच्चते ननमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोपि आदिकर्त्रे अनंतदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विश्वरूप संदर्शन योग के शिक्षा देता है। इसी प्रक्रम में विश्वरूप के दर्शन करे के बाद अर्जुन श्रीकृष्ण परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करता है। हे श्रीकृष्ण, हे महात्मा, आप सबसे महान हैं। हे श्रीकृष्ण, आप ही ब्रह्मा के आदि रचयिता हैं। अतः ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवता आपका काहे प्रणाम ना करें। हे श्री कृष्ण, आप तो असीम हैं। हे श्री कृष्ण, आप सभी देवताओं के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हे श्री कृष्ण, आप विश्व के आश्रय हैं। हे श्री कृष्ण, आप अविनाशी हैं। हे श्री कृष्ण, आप व्यक्त और अव्यक्त, परे और सर्वोच्च हैं। इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा की सर्वोच्चता का एहसास करता है और श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करता है। आओ हम भी बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण परमात्मा के सर्वोच्चता के अनुभव करी और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण करी। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम अर्जुन के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। कस्माच्चते ननमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंतदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन, मामेकं शरणं व्रज
अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मा शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कस्माच्चते ननमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोपि आदिकर्त्रे अनंतदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् ओम। कस्माच्चते ननमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।